तो मीरो माँ असद मम्मी और फॉर में आप सबका बहुत सारा वेलकम है। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है वन ईयर बेबीज़ को कितने फीडर देने चाहिए दूध, और साथ साथ वन ईयर बेबी की कितनी मील्स होती है, यानी 12 मंथ जो बेबी है उनको कितनी मील्स पूरे डे में देनी चाहिए और कितना दूध देना चाहिए, यानी कितने फीडर देने चाहिए। अगर हम लोग दूध की बात करें तो आप लोग मीन्स ओपन मिल्क भी दे सकते हैं और पाउडर वाला मिल्क भी दे सकते हैं, लेकिन मैं अगर अपने बेटों की बात करूँ तो मैंने अपने ट्विंस को अब ये कर्व मिल्क पर है। अच्छा, मैं अपने वन ईयर बेबीज़ को पूरे दिन और रात में 4 से 5 फीडर देती हूँ, और जो फीडर की मीन्स ये है इतने, ठीक है, ये वाला फीडर इस्तेमाल करती हूँ, तकरीबन इसमें 8 औंस दूध आता है, तो इसके मैं तकरीबन 4 से 5 फीडर देती हूँ, पूरे दिन भी और रात भी शामिल है। वन ईयर बेबी में ज़रा ये होता है कि बच्चा रात को नहीं उठता, यानी अगर आप लोगों ने 11-12 बजे दूध दिया है तो उसके बाद सुबह 6 से 7 बजे ही दूध लेगा। मिड नाइट जो दूध होता है इस एज में बच्चे बहुत कम लेते हैं, मेरे बच्चे जो हैं वो मिड नाइट दूध नहीं लेते। 12 मंथ बेबीज़ को कितनी मील्स देनी चाहिए, मैं अपने बच्चों को 3 से 5 मील्स देती हूँ। 3 मील्स तो होती है जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, 2 मील्स होती है जिसमें फ्रूट शामिल होते हैं। 1 ईयर के बाद बच्चों का जो वेट गेन होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, यानी फास्ट नहीं होता, क्योंकि बच्चों की एक्टिविटी बहुत होती है, बच्चा चलता फिरता रहता है, इस वजह से बच्चों का जो मीन्स वेट गेन जल्दी नहीं होता, ज़रा स्लो होता है। इस एज में जो बेबी होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, चलते फिरते रहते हैं, इसलिए कोशिश करें जो इनकी मील्स है वो ज़्यादा दें, और जो मील्स मैं आप लोग उनको खिला रही हूँ वो ज़्यादा कैलोरीज वाला फूड हो, जिससे बच्चों का एक तो बच्चे हेल्दी होंगे, एक्टिव होंगे, और बच्चों का वेट गेन भी होगा और बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। 3 टाइम तो इनके बिल्कुल ही मील्स होगी, और 2 टाइम इनको मैं देती हूँ जो फ्रूट्स, बनाना खा लेते हैं, एप्पल खा लेते हैं जो भी घर में मौजूद हो, उसके अलावा ये खजूर खा लेते हैं, इनको पसंद है, खुद ही खाते हैं, ड्राई फ्रूट भी खा लेते हैं जैसे काजू बादाम, बादाम इनको नहीं पसंद, काजू पिस्ता खा लेते हैं, इनको पसंद है, तो यानी ओवरऑल ये हर एक चीज़ खा लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और अब ये ज़रा खुद से खाते हैं, ठीक है, मुझे यानी पहले मैं इनको खिलाती थी, अब ये खुद खाते हैं, तो मुझे ज़रा बड़ा अच्छा फील हो रहा है। तो 12 मंथ बेबीज़ के लिए तकरीबन 3 से 5 मील्स होती हैं, यानी कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मील्स आप लोग दें अपने बेबीज़ को। 4 से 5 फीडर जो तकरीबन 8 औंस इक्वल 5 फीडर आप लोग ने इनको पूरे दिन में यानी 24 घंटे में देने हैं। उम्मीद होगा कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अब मेरे बच्चे भी इरिटेट हो रहे हैं। ओहो, वो कह रहे मम्मा आपके पास आना है, अब मेरे बच्चे भी इरिटेट हो रहे हैं, ठीक है, अब सबको बाय बाय करते हैं।